आज हम आप लोग को ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन में जैसे नीट में, टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, बीएससी, एमएससी में भी ये पूछा जाता है। ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स जो है वो पाया जाता है किस में? एक फैमिली है एस्क्लिपीडेसी, इस फैमिली एस्क्लिपीडेसी फैमिली पाया जाता है और आर्किडेसी फैमिली में। ठीक है, एस्क्लिपीडेसी और आर्किडेसी फैमिली में। एस्क्लिपीडेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट प्लांट है कैराट्रॉपिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मदार। कैराट्रॉपिस प्रोशेरा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मदार। सभी लोग देखे होंगे, उसमें ये पाया था ट्रांसलेटर ऑपरेटस। और दूसरी फैमिली आर्किडेसी, इसमें आर्किड पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर ऑपरेटस जो होता है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन में। इसका काम क्या है? हेल्प इन पॉलिनेशन। किसमें मदद करेगा? पॉलिनेशन में। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ट्रांसलेटर ऑपरेटस को देखा जाए, ठीक है, तो मुख्य रूप से दो पार्ट का बना होता है। कितने पार्ट का बना होता है? दो पार्ट का। एक पहला पार्ट इसका होता है कार्पस्कुलम, और दूसरा पार्ट इसका होता है कार्डिकल। ठीक है, दो पार्ट है कार्पस्कुलम और कार्डिकल। ठीक है, इसको जरा फिगर से आपको दिखाते हैं कैसे है ये। कोशिश हो रही है फिगर बनाने की। और ये इसके पेटल्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गाइनोस्टीजियम। गाइनोस्टीजियम, ये पेटल्स हो गए और ये क्या हो गया आपका? पॉलिनियम। इसको इस तरह भी देख सकते हैं या इसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ जाकर बाइलोब स्ट्रक्चर, स्टिकी स्ट्रक्चर में खुलता है। ठीक है ना, ये बाइलोब स्टिकी स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे कार्पस्कुलम। और ये है कार्डिकल जो पेयर में होता है। ठीक है, एक ये है दोनों, ये दो पेयर जो है क्या है? कार्डिकल। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? ये पॉलिनिया है, पॉलिनियम। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर रहते हैं, पॉलिन ग्रेन, सॉरी स्पोर नहीं, पॉलिन ग्रेन। इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? पॉलिन ग्रेन। ऐसे यहां पे भी है? तो ये देख रहे हैं मदार में, अगर देखते हैं कैराट्रॉपिस में देखते हैं तो इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पॉलिनियम। और यही पॉलिनियम कार्डिकल के द्वारा किससे अटैच होता है, जुड़ा होता है? कार्पस्कुलम। और कार्पस्कुलम और कार्डिकल ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ट्रांसलेटर ऑपरेटस का। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ट्रांसलेटर ऑपरेटस जो होता है वो किस में पाया जा रहा है? एस्क्लिपीडेसी फैमिली और आर्किडेसी में। कितने पार्ट का बना है? दो पार्ट, कार्पस्कुलम और कार्डिकल। मेन काम क्या है इसका? पॉलिनेशन में सहायता करना।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आया, गाइनोस्टीजियम। ठीक है, गाइनोस्टीजियम क्या होता है? जब कभी भी स्टिग्मा स्टेमिन से फ्यूज रहे या अटैच रहे, ठीक है, स्टेमिन स्टिग्मा से अटैच रहे या फ्यूज रहे, तब इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? गाइनोस्टीजियम। ठीक है, तो गाइनोस्टीजियम भी पूछा आता है कि किसमें पाया था, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि गाइनोस्टीजियम किसमें पाया था, किसमें पाया रहा? कैलोट्रॉपिस में। किस फैमिली से बिलोंग करा? एस्क्लेपियडेसी। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसलेटर अपरेटस के बारे में, एक छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बच्चे इस पर पूछते थे सर क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा सा बताइए, तो ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन इस पर बहुत आसान आते हैं, जैसे इस पर क्वेश्चन पूछता है गाइनोस्टीजियम क्या है, तो बता ले जाएंगे, स्टिग्मा और स्टेमिन फ्यूज करेगा तो गाइनोस्टीजियम का निर्माण होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, गाइनोस्टीजियम पाया किसमें आता है? तो कैलोट्रॉपिस में पाया रहा है। अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछा आता है, पॉलिनियम किसमें पाया जाता है? तो पॉलिनियम भी किसमें है? कैलोट्रॉपिस में। पॉलिनियम होता क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पॉलन ग्रेन। ये क्या है अंदर? पॉलन ग्रेन। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स किस पे हेल्प करता है? पॉलिनेशन में। ठीक है, ये पॉलिनियम जो होता है ये पार्ट किसका है? ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं और ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स के बारे में। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।